तो आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में हिंदुओं की आबादी घटने, मुसलमानों की बढ़ने का जिक्र है। इस पर हमारे सहयोगी आशीष ने AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन उवैसी से भी बात की। सर, इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो सेंसस का डेटा भारत सरकार देती है वो ये बताती है कि डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन परसेंटेज हिंदू का था 20.29 1961 में, वो 2011 में 16.76 हुआ। मुसलमानों का था 25.61, वो गिरकर 24.65 हुआ है। वहीं पर भारत सरकार ने जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 का जो डेटा है, मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट जो था 4.41 से गिरकर 2.36 हुआ है 1992-93 से 2019-21 तक, और वैसे ही हिंदू बहनों का 3.30 से 1.94 हुआ है। तो ये जो बकवास की जा रही है कि भाई मुसलमानों का पॉपुलेशन मुसलमानों का पॉपुलेशन हिंदुओं से बढ़ जाएगा, ये सरासर झूठ है। 2061 तक हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा 74.7% पर, और 2101 यानी उसके 40 साल के बाद मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा 18.8%। कभी भी इस देश में मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन से आगे नहीं जाने वाला है। ये जो डेटा आपको कह रहा हूँ, ये एक्सपर्ट्स का डेटा है, सेंसस का डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 का डेटा है। अब ये जो मोहतरमा कह रही हैं ना, ये मोहतरमा गलत कह रही हैं। इन पर माजी में कई इल्ज़ाम लगे प्लेजरिज्म के। गवर्नमेंट का डेटा सही है, इनका डेटा सही है, बताइए हमको। और क्यों ये डर और खौफ पैदा किया जा रहा है? तो ये सब जो है इलेक्शन को सामने रख कर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में ये बात कह दी थी कि मुस्लिम महिलाओं ज़्यादा बच्चे पैदा करें, जो झूठ है, जो उनका TFR रेट गिरा है, तो उसको बैक करने के लिए इस तरह की एक बकवास किस्म की रिपोर्ट बनाई जा रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ABP News आपको रखे आगे।